बिड रिजेक्ट होने का मेजर पॉसिबल रीज़न क्या है? बिड रिजेक्ट होने का जो पॉसिबल रीज़न है, सबसे अहम है, वो ये है कि आपने उस प्रोजेक्ट को स्टडी नहीं किया, और आपने एक फॉर्मल तरीके से, एक बिल्कुल जो रिवायती टिपिकल किस्म का जो तरीका है ना, उस तरह बिड कर दी। मसलन उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जब एज अ क्लाइंट, जब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब प्रोजेक्ट पोस्ट करूँगा और आप लोग बिड्स लगाएंगे, तो मैं क्या देखूँगा? मैं सिर्फ ये देखूँगा कि मैंने जो प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, कोई सवाल किया है, ठीक है, क्या उसको गौर से स्टडी किया है, या एक रवायती बिड लगा दी कि हाय आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज गिव इट टू मी, हाय आई कैन डू दिस, समथिंग लाइक दैट। अगर मुझे इस तरह की रवायती बिड आपकी मिली, तो वो फौरन रिजेक्ट होगी, एटलीस्ट मैं तो रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब आपने मेरे प्रोजेक्ट को स्टडी नहीं किया, तो हाउ कैन यू से कि यस आई विल डू दैट एंड समथिंग लाइक दैट। कॉपी पेस्ट किस्म के जो बिड्स लगाते हैं लोग, तो ऐसे बिड्स लगाई हुई, ऐसी लगाई हुई बिड्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, क्योंकि एक क्लाइंट की जो नज़र होती है, वो अपने प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं है आप कौन हो, क्या हो, उसे काम के लिए वो बंदा चाहिए जो उसका प्रोजेक्ट टाइम पे कर सके, और एक्सपर्ट इतना हो कि कम से कम उसे रुलाए नहीं, टाइम पे डिलीवर करे, कमिटमेंट का पूरा हो। आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, और ऐसा कर सकते हैं तो उसको अपनी बिड में मेंशन करें। कोई सवाल आपके जहन में हो उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसको पूरी लिखें। करना है क्या है, किसी प्रोजेक्ट की हेडलाइन को स्टडी करें, उसकी डिटेल्स को स्टडी करें, अगर वो कोई छोटा मोटा फिक्सेस है, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गया साइट में, या कोई इश्यूज हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर तो चलता है कि आप उसे गारंटी इस तरह से बात कर सकते हैं कि यस आई कैन डू दैट विद इन एन आवर एंड आई विल डू दैट इन 30 मिनट्स, इसमें तो चलता ही सब। लेकिन अगर प्रोजेक्ट किसी ने पोस्ट किया है, तो भाई प्रोजेक्ट के अंदर तो पहले आप उसे इस बात के ऊपर कन्विंस तो कर लो कि आपने प्रोजेक्ट को स्टडी कर लिया है, और आप समझ गए हैं, और आप किस तरह से आपकी अप्रोच होगी उसको करने की, या कोई सवाल आपके जहन में हो, क्योंकि सवाल तो होगा किसी भी काम के हवाले से। तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने का जो रीज़न होता है, वो आपका रवायती किस्म की बिट करना, जो अमूमन उसके पास जो रिक्वेस्ट आ रही होती है, 10 20 30 40 50, वो तकरीबन तकरीबन सेम कॉपी पेस्ट चला रहे होते हैं। एक उन लोगों ने टाइम नहीं देना होता पढ़ने पे, उन्होंने एक अपना फॉर्मेट बना के रखा होता है, उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर आपने ऐसा किया है, तो आप भी रिजेक्ट होंगे, ज़्यादा चांस यही है कि आप रिजेक्शन में। तो करना है क्या है, स्टडी करें, उसके ऊपर अपना स्टार्टिंग मैसेज लिखें, कुछ सवालात लिखें, क्वेश्चंस, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी अपनी कोई अप्रोच है या कोई सजेशन है, तो क्लाइंट को साथ में वो भी दें कि इस प्रोजेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लाइंट ने तो कही है, पर प्रैक्टिकली या टेक्निकली वो दुरुस्त नहीं है, तो आप उसके लिए अपनी ऑल्टरनेट सजेशन भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ग्रेटिंग से स्टार्ट करें, थोड़े से क्वेश्चंस करें, अपनी अप्रोच दें, उसको कोई समरी समझाएं कि प्रोजेक्ट किस तरह होगा, इसका आउटकम क्या आप ला सकते हैं, आप क्यों आपको ही हायर करें, ठीक है। इसके बाद आप अपनी क्लोजिंग करके, और अपनी अमाउंट रिजनेबल रखें, फेयर रखें, कोई लाजमी नहीं कि आप लो अमाउंट रखें या हाई रखें। एक्स्ट्रा हाई रख देंगे तो आप वैसे रिजेक्ट, बहुत ही लो रखेंगे तो क्लाइंट समझ जाएगा कि आप यू आर जस्ट अ चीप कोडर। तो रिजेक्शन का रीज़न मैंने आपको बता दिया, प्राइजिंग के लिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। रीजनेबल प्राइस रख के पोस्ट कर दें। शुक्रिया।